हाँ हाँ मतलब बिल्कुल होना चाहिए ना, ऐसे प्रेक्षागृह और होने चाहिए, ऐसी प्रेक्षा और होनी चाहिए, और जहाँ पर होते हैं हमको जो है उसको उत्साहवर्धन करना चाहिए, हमको उत्साह बढ़ाना चाहिए थिएटर आर्टिस्ट का, थिएटर डायरेक्टर्स का, थिएटर प्रोड्यूसर्स का, इसी की थिएटर और पनपे और ग्रो करे। और मेरे मुझे पूरी उम्मीद है कि वेदा इसके संपत्ति के इस प्रयत्न से वेदा कुंभा थिएटर जो है आपके अभी और ग्रो करे, और ग्रो करे। भाई मेरी इसके बारे जानकारी नहीं है, मैं इतना जानता नहीं फिल्म के बारे में, सिनेमा का बंदा हूँ नहीं मैं, ना प्रोड्यूस करता हूँ डायरेक्ट करता हूँ, तो आई एम नॉट अ मी। अरे सर आइए आइए सर, थोड़ा सा आ जाइए सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई थिएटर है, बड़ी खुशी की बात है, और क्या कहें, बहुत खुशी की बात। सर यही बात हो रही थी कि थिएटर आर्टिस्ट जो है आए और आए हमारे इंडस्ट्री में और आए, इसके लिए क्या कुछ पहल होनी चाहिए कि वो नीचे का और आए और अपने जो अंदर की कला को एकदम निखार के बाहर। ऑडियंस की भी जिम्मेदारी है, जो अच्छे ड्रामा बनते हैं उसको सर आंखों पे ले, ऑडियंस की भी जिम्मेदारी है, आर्टिस्ट तो अपना काम करेंगे ही। सही है ना, ठीक है ना, चलो थैंक यू। जिस कारण आज हम रंगकर्मी बने हैं, तो वेद कुंभा थिएटर भी एक ऐसा थिएटर होगा जो अब जो नई जनरेशन आई है वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, और जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं परंतु स्पेस नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे, तो एक और स्पेस होना ज़रूरी है। और यहाँ पर 200 से ज़्यादा कैपेसिटी है, और इस थिएटर में जितना इंटीमेट थिएटर कहा जाता है उतना प्रोसीनियम भी है, मतलब आप पास भी हो और थोड़ी दूर भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही ज़रूरी अहम, जब तक थिएटर स्पेस ना हो तब तक रंगकर्मी नहीं, तब तक नाटककार नहीं, तब तक निर्देशक नहीं, कोई नहीं, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कि एक नई थिएटर मूवमेंट शुरू हो जाएगी इससे। सर थिएटर की बात करें या न्यू जनरेशन की बात करें, तो उन तक कैसे ये मार्केटिंग है कि वो थिएटर से क्या प्लान है? थिएटर की मज़ेदार बात ये है कि बस एक बार शो हो जाए लोग आ जाते, देखो ये बिना कुछ खर्चे के आए हैं लोग, लोग थिएटर आप कहीं परफॉर्म कीजिए, बेल सुनाई देगी, लोग पहुंच जाएंगे, और आज का ज़माना है सोशल मीडिया का, वो तो जल्दी पहुंच जाएंगे, इट विल कैच लाइक फायर। सोशल मीडिया पर इन दिनों किसी का चेहरा किसी की फोटो, ये बहुत ही अब क्या करें, अब जो नाटक में हम हाईवदन करते थे किसी का, अब लोग करने लगे हैं, अब वही है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो तो अच्छा है। मेरा एक फेस्टिवल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं नाटक का, वो वहाँ होगा पृथ्वी में और एक यहाँ भी होगा। राय पहले दिन शो भी देखा और इस तरीके की शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी जब थिएटर नया बनता है ना तो एक अलग एनर्जी होती है, और ऐसा बढ़िया थिएटर जो संपत ने यहाँ बनाया है जिसके अंदर टेक्निकली इतना सुपर्ब है, ये बहुत ही अच्छा है। यानी हम लोग, मैं जानबूझकर ऊपर बालकनी में बैठा था और ये देखना चाहता था कि बालकनी से ठीक से दिखता है या नहीं, और मज़े की बात यह है कि जितना खूबसूरत ये थिएटर अंदर से नीचे ग्राउंड फ्लोर से दिखता है उतना ही बेहतरीन वो बालकनी से दिखता है, और उतना ही क्लियर साउंड भी वहाँ पर आता है। तो एक नाटक का जो मज़ा होता है वो आप थिएटर के किसी भी कोने में बैठ के देखते हो तो उतना मज़ा आता है। सो टेक्निकली बहुत ही अच्छा थिएटर बनाया है, एंड जितने भी रंगकर्मी हैं मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे आए हैं और ये इतना बढ़िया जो थिएटर बनाया है उसमें आकर के वो परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो ये बिल्डिंग है सेल्टा उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ट्रेंड एक्टर हूं, और संपत की फिल्म सब मोह माया है का मैं एक्टर भी हूं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सब मोह माया है फिल्म आप देखें, जी अनमोल पे वो फिल्म है। दूसरी बात, ये संपत ने बहुत बड़ी हिम्मत की, इतनी बड़ी हिम्मत कोई आसानी से नहीं करता है, और हमारा जो सिंटा है और सिंटा ट्रस्ट है
हम लोग भी उनके साथ पूरा लगे रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत करना हर एक के बस की बात नहीं होती और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। पहली बात तो मैं बताऊँ, सिंटा का मेन ऑब्जेक्टिव, इस बिल्डिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे लिए थिएटर जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और संपत का इस थिएटर को चलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान आगे जाके रहेगा, क्योंकि ये थिएटर एक दो साल के लिए नहीं है, ये कम से कम 10 साल तक तो हम जो भी हमारे एग्रीमेंट में हैं, और इस एरिया के अंदर इस तरह की हैपनिंग है नहीं, और ये आगे आने वाले वक्त में जो पृथ्वी थिएटर पे लोग जाया करते थे वैसे ही यहाँ भी धीरे धीरे आप देखिएगा ये बहुत बड़ी हैपनिंग प्लेस हो जाएगी, और इस एरिया के अंदर इस तरह की हैपनिंग प्लेस और इस तरह का एरिया, इतना खुला हुआ एरिया इतना आसान नहीं है होना, और मैं संपत को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और इस एरिया के सारे दर्शकों से ये कहूँगा कि आप आएँ संपत के इस ग्रुप से जुड़ें और थिएटर को मदद करें। थैंक यू, थैंक यू। बात तो नाटक की करूँगा कि दो नई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जल्दी कोई दो नए नाटक करने की इच्छा है, जैसे ही थोड़ा शूटिंग से ब्रेक मिलेगा दो नाटक ओपन करेंगे। क्रिसमस न्यू ईयर की प्लानिंग में तो इस बार तो घर पे हैं, तो वही है, और शायद एक आध अच्छा दूसरा प्ले देखने वाले हैं। थैंक यू। कुछ कहेंगे इस मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं? यार एक तो सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत ही सही जगह पे खुला है, मतलब हम सबको जब भी कभी थिएटर के लिए जाना पड़ता था तो यहाँ पे बड़ा अकाल है, या तो पृथ्वी जाओ तो ट्रैफिक मिलता है बहुत सारा, या फिर NNP वगैरह उस तरफ जाओ तो बहुत वो मिलता है, लेकिन ये इतना पास है, और जितने भी एक्टर्स हैं ज़्यादातर, मतलब 75 एक्टर्स इस एरिए में रहते हैं या इस एरिए से उनका आना जाना है, तो ये जो जगह है ये बहुत इजी भी है, क्योंकि जो दिल्ली में कई बार क्या होता है कि दिल्ली वगैरह में वहाँ भी दूर है लेकिन एक पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये मुंबई बड़ा मशरूफ़ शहर है, तो उसके हिसाब से एक आपके एरिया में इतना प्यारा थिएटर बन जाए तो मतलब अमेजिंग, मतलब मैं यहाँ बार बार रोज़ आ सकता हूँ, इतना प्यारा है। हाँ हाँ नहीं, आर्टिस्ट तो बहुत हैं, आर्टिस्ट बहुत हैं, बट ये एक नया सेंटर खुला है, एक नई सोच खुली है, एक नया पॉइंट खुला है ना, कि एक पॉइंट है कि भाई ये इस जगह पे इतने करीब हमारे, मतलब चार बंगला और पूरा रामनगर वर्सोवा इधर इस एरिए के पूरा बहुत ही करीब है, तो अच्छा है। क्रिसमस पर कुछ नहीं यार, यही यहाँ कोई नाटक होगा तो देखूँगा। It feels really great. It's been a long journey, but it was very hard, but I'm very happy. Tell us a little more about what Vedakumar Theatre is all about. मतलब ये थिएटर के अलावा इस साइड ऑफ टाउन में कोई भी प्लेस नहीं है ना, मुंबई में भी नहीं है, ये थॉट कैसे आया और यहाँ क्या क्या होगा कुछ बताइए। मैम वो इकोनॉमिकली क्या है ना, थिएटर फिजिबल नहीं है इसलिए नहीं है, बट देखिए पृथ्वी टेंपल है, पृथ्वी में हम बड़े हुए हैं, और यहाँ पे नहीं था तो आई हैव स्टार्टेड वेदा फैक्ट्री इन 2018, बहुत ही छोटे जगह से स्टार्ट किया था, इट वॉज 60-70 सीटर, और वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन आया। सो सिंटा वी मेट इन 2021, दे शोड मी द प्रॉपर्टी, आई रियली लव्ड इट, एंड तब से चालू है, बनाने की कोशिश है और आज चालू हो गया है, सो आई एम रियली हैप्पी, एंड आज मकरन सर का प्ले है सर सर सला, आई एम रियली हैप्पी कि मकरन सर से स्टार्ट हो रहा है। See, we are primarily focusing on film screening and theaters. So, theater ka bhi, abhi theater to start ho gaya hai, film mein abhi humne kuch lineup nahi banaya, but jaldi hi dheere dheere lineup banana start kar denge. Thank you, sir. Thank you. Nasir sir has also come here, he's seen the play too. He really loved it. Hopefully, he'll be performing here soon. Anything else you want to add? No, I am really happy that Kumud sir, Prateek and Seema Pao ma'am, everybody came and wo log diggaj hain theater mein, unko humne itna dekha hai, wo log aaye, bada acha laga, bas wo log perform kare yahi chahte hain,
और जल्दी ही सब करेंगे। थैंक यू। कोई टिप नहीं है, बस सबसे खूबसूरत बात है कि एक नई स्पेस खुली है और जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल छोटे नाटकों के लिए या एमएचओ थिएटर के लिए, इवनिंग थिएटर के लिए स्पेसेस की कमी है। एक पृथ्वी थिएटर है जिसके ऊपर बहुत बोझ है, जिसमें मतलब कितने नाटक हैं और पृथ्वी थिएटर कितने लोगों को एकोमोडेट कर पाता है, तो उसके लिए हमको कुछ और स्पेसेस की ज़रूरत थी। होपफुली ये स्पेस खुली है और इसका हमको सबको बहुत फ़ायदा होगा, परफॉर्मर्स को, थिएटर को। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो पहली फिल्म से सुपरस्टार बनना चाहते हैं उसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए, उनके सपने उनको पूरा करना चाहिए। मेरी अपनी यात्रा है, मैं अपनी यात्रा में हूँ और वो अपनी यात्रा में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी जर्नी चुनना चाहता है तो उसे हक है और वो सपने देखने का है, उन सपनों को पूरा करने का हक है। क्या कहना चाहेंगे आज पृथ्वी थिएटर के बाद में, मेरा जो यहाँ पर थिएटर की शुरुआत हुई, आज पहला शो था आपने देखा, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो है कि हमारी बिल्डिंग है सिंटा की बिल्डिंग है एंड हमारी बिल्डिंग में एक थिएटर शुरू हुआ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इन फैक्ट इन द बिगिनिंग ओनली जब संपत से बात हुई थी तो आई थिंक वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि ही वॉज द फर्स्ट वन हु अप्रोच्ड, देन ऑफ कोर्स द थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर एंड संपत इज़ अ वेरी वार्म पर्सन एंड सो इज दिस थिएटर, वेरी वेरी वार्म फीलिंग यू गेट व्हेन यू सिट इनसाइड एंड आई वॉच्ड द प्ले, आई लाइक्ड इट, इज वेरी नाइस फीलिंग। अंधेरी जैसे एरिया में इस तरीके से थिएटर शुरू होना, खास करके यहाँ पर सारे आर्टिस्ट ज़्यादा रहते हैं, तो इससे कितना अच्छा होगा लोगों के लिए? सी हमारे यहाँ पे मेन जमात हमारी यही रहती है जो मेन कलाकार हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जो हमारे लोग जो लाइक हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। एंड वी इन फैक्ट प्लान्ड यू नो कि अभी संपत के पास है तो कुछ दिन हम उससे मांगेंगे और हम लोग जो अपना जोन में डिवाइड किया हुआ है जो हमारा सिंटा के लोग हैं, तो जोन वाइज हम उनका जाके उनके शोज़ कराएंगे, कॉम्पिटिशन करवाएंगे और जो टॉप थ्री होंगे उनको यहाँ पे ला के उनसे परफॉर्म कराएंगे इस थिएटर में और फिर बेस्ट को हम अवार्ड देंगे। थिएटर जिस तरीके से कितना सपोर्ट लगता है उसको, क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं थिएटर खत्म हो रहा था, लेकिन इस तरीके से शुरुआत होना कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है क्योंकि थिएटर से क्या होता है, एक तो आप कला से बहुत जुड़े रहते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड द रियल टैलेंट एक्चुअली, बिकॉज वो आपको रीटेक करने का मौका नहीं मिलता। एंड सेकंड इज़ दैट कि लाइक जो आर्टिस्ट होते हैं, ऐसा तो नहीं कि हर आर्टिस्ट जो है वो फिल्म में काम करें या सीरियल में काम करें, तो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी कि यहाँ आपके बिल्कुल आसपास एक थिएटर है आपके लिए। जैसे हमारा एक कार्तिक कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है, वहाँ वो रिहर्सल अगल करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ के परफॉर्म करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि संपत का ये थिएटर, यहाँ बोलो कि हमारा ये थिएटर हम लोग की, हमारे जमात की बड़ी मदद करेगा एंड थिएटर शुड ग्रो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।